हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल दिनेश यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे T+2 के बारे में। दोस्तों, T+2 क्या होता है? T+2 जो है स्टॉक मार्केट की बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। दोस्तों, तो उसी के बारे में हम आज सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। बट उसके बारे में मैं आपको बताऊं, उससे पहले आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ व्हाट इज T+2। T+2 क्या है, इसके बारे में सब कुछ मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूंगा आज की इस वीडियो में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में T+2 का मतलब होता है, टी इंडिकेट करता है ट्रेड। जिस भी दिन हम शेयर को बाय करते हैं या सेल करते हैं उसे टी बोलते हैं, यानी डेट ऑफ ट्रेड, जिस दिन हम ट्रेड करते हैं, खरीदते हैं। T+2 का मीन्स होता है दोस्तों नेक्स्ट टू वर्किंग डेज, अगले वो दो दिन जिस दिन स्टॉक मार्केट ओपन होगा। सपोज दैट मैं मंडे के दिन शेयर बाय करता हूं, तो ट्यूजडे एंड वेडनेसडे, वेडनेसडे को मेरे अकाउंट में शेयर क्रेडिट होंगे। दोस्तों गाइस, इसको हम एक और एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट आप जो स्टॉक है वो बाय करते हैं फ्राइडे के दिन, ठीक है, सैटरडे एंड संडे स्टॉक मार्केट बंद होता है, वो काउंट नहीं होता। जो आपका ट्रेड डे हो गया फ्राइडे, एंड जो T+1 वाला डे हो गया मंडे, एंड T+2 वाला डे हो जाएगा आपका ट्यूजडे। ट्यूजडे के दिन आपके अकाउंट में शेयर क्रेडिट होंगे। दोस्तों गाइस, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ऐड करना चाहूंगा आपके लिए। सपोज दैट आप जो स्टॉक बाय करते हैं फ्राइडे के दिन, सैटरडे एंड संडे स्टॉक मार्केट बंद होता है, हम सभी को पता है। मान लो जो मंडे है उस दिन कोई नेशनल हॉलीडे आ गया, सपोज दैट 26 जनवरी, 15 अगस्त या गांधी जयंती, 2 अक्टूबर, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, सैटरडे संडे एंड मंडे तीनों दिन काउंट नहीं होंगे। आपका ट्रेड डे हो जाएगा फ्राइडे, एंड जो आपका T+1 वाला डे होगा वो ट्यूजडे को आएगा दोस्तों, एंड जो T+2 वाला डे है वो आएगा वेडनेसडे को, बिकॉज सैटरडे संडे ऑफ होता है स्टॉक मार्केट, और जो मंडे था उस दिन एक नेशनल हॉलीडे आ गया था कोई सा भी, जिस दिन स्टॉक मार्केट बंद होता है। गाइज, आज की इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन मोटिव था, हमको एक कमेंट रिसीव हुआ था हमारे व्यूवर से। उन्होंने बताया कि उन्होंने टीवी टुडे नेटवर्क के स्टॉक बाय किए थे, एंड उसका डिविडेंड अभी तक उनके बैंक अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ था। तो दोस्तों, जैसा कि कमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बट ऐसा हुआ क्यों था, लेट्स सी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने जो स्टॉक बाय किया था वो 10 तारीख को किया था, उस दिन फ्राइडे था दोस्तों, एंड सैटरडे संडे स्टॉक मार्केट बंद होता है 11 तारीख 12 तारीख, सैटरडे संडे में काउंट हो गया। एंड जो 13 तारीख था कंपनी का रिकॉर्ड डेट था, एक्स डेट था, वो मंडे इनका T+1 वाला डे हो गया, एंड जो ट्यूजडे है 14 तारीख वो T+2 वाला डे हो गया, एंड जो इनके अकाउंट में स्टॉक क्रेडिट हुए हैं वो 14 तारीख को हुए हैं ट्यूजडे वाले दिन, और रिकॉर्ड डेट 13 तारीख थी दोस्तों। तो इसीलिए ये इंटाइटल्ड नहीं थे डिविडेंड के लिए, इसीलिए इनको डिविडेंड नहीं मिला है। एंड सर, जो आपने स्टॉक बाय किया था वो आपके डीमेट अकाउंट में 14 तारीख ट्यूजडे को क्रेडिट हुआ था, एंड जो लिस्ट फाइनल हुई थी डिविडेंड देने के लिए वो 13 तारीख मंडे के दिन हुई थी। एंड इस तरह जो है आपकी जो एलिजिबिलिटी थी वो खत्म हो गई थी, आप इंटाइटल नहीं थे डिविडेंड पाने के लिए, दैट इज द रीजन आपको डिविडेंड नहीं मिला आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ पे आप सिर्फ एक दिन लेट हो गए सर, तो नेक्स्ट टाइम इस चीज का ध्यान रखना कि आपको डिविडेंड जब भी लेना हो तो एटलीस्ट 2 दिन पहले स्टॉक बाय करें, ताकि टाइम से आपके अकाउंट में स्टॉक क्रेडिट हो जाए और आप एंटाइटल रहें, एलिजिबल रहें डिविडेंड पाने के लिए। आई होप मैंने आपका जो भी कंसर्न था वो क्लियर कर दिया होगा। इस तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, एंड अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई कंसर्न है, तो हमें कमेंट में जरूर लिखें, हम उसका भी आंसर आपको करेंगे। या किसी भी टॉपिक पे आपका कोई कंसर्न हो तो आप हमें कमेंट में लिखें, हम उसका आंसर भी आपको जरूर करेंगे। दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय।